बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री नकुल दुबे कांग्रेस में शामिल हो गए। नकुल दुबे यूपी की सियासत में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, जिसके सहारे बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ के चलते सत्ता में काबिज हुई थी। पेशे से अधिवक्ता नकुल दुबे की उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध जनों के बीच गहरी पैठ है। इससे पहले बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री नकुल दुबे को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन पर पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण ये कदम उठाया गया था। इसकी जानकारी मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी थी। इसी साल यूपी विधानसभा चुनाव में नकुल दुबे को पार्टी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश किया गया था। आपको बता दें, बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के बाद नकुल दुबे पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे। पहली बार 2007 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल किया तो लखनऊ की महोना सीट से नकुल दुबे भी विधायक निर्वाचित हुए। इस जीत का सहरा उनके सिर भी गया और मायावती ने उन्हें कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।